हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे तो इसके तहत ये नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा और ये सभी सभी एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, बड़े या छोटे लेवल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेवल थोड़ा सा हाई रखा जाएगा, है ना, क्योंकि आमतौर पर टारगेट वीडियो को करके किया जा रहा है, वीडियो और यूपीपी में लगभग यही चीज़ है। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे अग्निवीर के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहीं से था ना, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। देखिए ये एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन लेवल चेंज कर देगा। मान लीजिए यूपीपी वगैरह में पूछ लेगा तो पूछ लेगा कि कौन से अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किस अभिलेख में बात की गई है अशोक के बारे में, तो बस इतना सा ही पूछेगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएगा तो कहेगा बताइए दोनों की चर्चा करेगा कौन सा। तो इसका पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो भाई इसका भी तो चर्चा है ना, है उसी का अभिलेख, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। जूनागढ़ का और अभिलेख है लेकिन वह हमें ध्यान नहीं रखना है, ठीक। हाँ हाँ हाँ, चंद्रगुप्त का भी कहे तब भी वही, अशोक का कहे तब भी वही, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बेहतरीन पूछता है और पूछता ही पूछता है। अगर आप बात करेंगे चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में तो ये दोनों एक ही वंश के शासक हैं, है ना, ये प्रथम शासक है जो संस्थापक है मौर्य वंश का, है ना। स्थापना कब किया था वो 322 या कहीं किताबों पर 21 में लिखा होता है। इसका शासनकाल कहाँ तक रहा था, 298 तक। तो ईसा पूर्व का डेट है यहाँ, ठीक है। ईसा पूर्व मतलब चीज़ें अभी हाँ पीछे से आगे की ओर आएंगी, ईसवी और ईसा पूर्व में आप समझते हैं अंतर। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने अंतिम शासक नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद की हत्या की थी, कई बार घनानंद भी कहते हैं उसे, और फिर उसके उपरांत इसने मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद इसका पुत्र आता है, क्या नाम रहता है उसका, अरे कुमारगुप्त कहाँ से आ गया, बिंदुसार। दो कैरेक्टर हैं बिंदु में, एक होता है बिंबसार, है ना, और दूसरा है बिंदुसार, ठीक है। तो देखो बिंबसार जो है वो खुद बिंदुसार पहले लिख दिया जाए नहीं तो भूल जाएंगे कि क्या लिखना था। अब बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, यानी इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 298 से 273 तक। सब बात समझ में आ रही है, यानी कि ये मौर्य वंश में है। और बिंबसार की चर्चा यदि हम करेंगे तो हर्यंक वंश की स्थापना इसी ने की थी, है ना, हर्यंक वंश की स्थापना इसी ने की थी। इसका पुत्र अजातशत्रु, इसके पूरे वंशज में हम लोग देखते हैं कि ये सब पितृहत्यक थे, यानी कि पिताओं की हत्या करते थे। फिलहाल बिंदुसार जो है बहुत बहुत प्रतापी तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपने साम्राज्य को बचाए रखा। उसके बाद इसका पुत्र यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता निकला अशोक, उसको तो दुनिया जानती है, जग जाहिर है, है ना। तो उसने शासन कब से कब तक किया हुआ था, 273 से 174 ईसा पूर्व बिटिया अशोक। और अशोक को क्या कहते हैं, द्वितीय सिकंदर। सिकंदर ये सानी कौन कहलाना पसंद करता था अपने आप को, अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि लोग उसे सिकंदर कहें, इसीलिए वो अपने आप को कहलवाता था सिकंदर ए सानी, समझ रहे ना। तो सिकंदर से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से आंसर कर पाएंगे। बाकी सिकंदर के बारे में तो जानते ही हैं, जो सिकंदर था वो बेबीलोन का निवासी था, है ना, किस्तुनतुनिया हम कह सकते हैं, वहाँ से आया था। और उसका युद्ध जो हुआ था क्या नर्मदा नदी, तो लोग पार नहीं कर पाए थे, वापस लौट गए थे। हालांकि उसकी उनकी जो उसकी हत्या जो है जनजातियों ने कर दिया था, पता नहीं कैसा महान था, जनजातियों ने मार दिया, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, कटाक्ष कर रहा हूँ क्या। और देखो समझ गए, इतना ज़्यादा हमें बात नहीं करनी है। अशोक को जानते हैं, 13वें शिलालेख की चर्चा उसकी हो जाती है। अशोक के जो शिलालेख है टोटल कितने, 14 बृहद शिलालेख हैं, जिसमें से 13वें में चर्चा की गई है कि उस पर कलिंग का युद्ध होता है उसमें, है ना। और कलिंग युद्ध के बाद
वो क्या कर लेता है, धम्म विजय को अपनाता है, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है और वहां से अब हथियार को छोड़ देता है अशोक। समझ रहे ना, अशोक ने ही, अशोक के टाइम ड्यूरेशन में जो है तीसरा वाला जो है बौद्ध धर्म का आयोजन भी किया गया था। बात समझ आ रही ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरा उसका वंश ही खत्म नहीं करेंगे, छोड़ो अब आगे बढ़ते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में जरूर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है सतकर्णी वंश का, यानी कि सॉरी सातवाहनों में सबसे बेहतरीन शासकों में से एक था, तो सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ लेता है कि इसने शीशे के सिक्के चलवाए थे। बात समझ आ रही ना, एन श्री सतकर्णी के सिक्कों पे जलपोतों का हम देखते हैं साक्ष्य मिलता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है महिलाओं का अपना बड़ा ही बेहतर अवस्थाएं थी, संस्कृत भाषा यहाँ पे जो है खूब चली। बाकी ठीक है, अशोक वगैरह के बारे में चर्चा कर ली है, तो बहुत अधिक चर्चा करेंगे तो बहुत हो जाएगा विलम्ब ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध होता है, कौन सा अभिलेख है, एरण, गया, नालंदा। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में सब कुछ बताती है, प्रशस्ति लिखते हैं पूरा, है ना, प्रयाग प्रशस्ति। ये जो है लिखा किसने था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, समझ रहे ना, हरिसेन इसकी रचना करता है। और ये इसमें चर्चा की गई है समुद्रगुप्त की सभी सैनिक उपलब्धियां, जो भी जितने भी युद्ध लड़े गए थे उसके बारे में चर्चा किया गया था। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं, समझ रहे ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और गुप्त शासकों में सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त ही था, समझ रहे ना। तो अगर हम बात करें किस नंबर पे रहता है, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने। उसके बाद घटोत्कच आता है, कुछ समय तक वो करता है ना, लेकिन उसके बाद जो वास्तविक संस्थापक हम कहते हैं, हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद फिर इसी का नंबर आएगा समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद नंबर आएगा, दो इसके पुत्र होते हैं, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त जो है नालायक निकल जाता है, ये कहानी कभी मैं सुनाऊंगा, है ना। और फिर आता है इसको हटा के चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में खूब चर्चा होती है। इसे सकारी भी कहा गया, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, समझ रहे ना। इसके बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्तों में देखिए, कुमारगुप्त का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लेता, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो कुमारगुप्त ने 415 ईस्वी में, ईस्वी था, अब ईस्वी चल रहा है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त, याद रखेंगे, कुमारगुप्त से क्वेश्चन बन जाता है आमतौर पे, ठीक है, कुमारगुप्त, हाँ, 415 है, ईस्वी है, ठीक है। और कुछ, चलो अच्छा छोड़ो आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संस्थापक ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम रहता है ना, सबसे प्रतापी समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कह लिया जाता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, दिल्ली के मेहरलू में है रौली के कुव्वत उल इस्लाम में मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ, जिसे दिल्ली टोपरा का स्तंभ भी कहते हैं, है ना, को की स्मृति में क्या लिखा रहता है, तो उसमें क्या लिखा होता है, चंद्र। चंद्र का मतलब वही है चंद्र, चंद्रगुप्त, पूरा मैं लिखूंगा तो चंद्रगुप्त, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय वाला है ये, ठीक है, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। हर्ष तो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को ही पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने, है ना, ये क्वेश्चन बन जाता है। अशोक के बारे में जानते ही हैं, तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ हमें प्राप्त हो जाता है, कि सती प्रथा एक्चुअली था कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से थोड़ी बहुत, तो कौन से वाले स्तंभ लेख से, कौन सा है, बिलसण स्तंभ लेख, भीतरगांव
स्तंभ लेख, एरण अभिलेख या भित्री स्तंभ लेख। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एरण अभिलेख। और एरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा के संबंध में चर्चा की गई है, और इसी में किसकी चर्चा मिल जाती है हमें देखने को? कालिदास। इसी में चर्चा मिलती है महाभारत के 1301 जो करके उस समय टाइम ड्यूरेशन में, तो उसकी भी चर्चा मिलती है एरण अभिलेख में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, सती प्रथा के बारे में कहीं ना कहीं यहाँ पे साक्ष्य में देखने को मिल जाता है। क्या हो गया? अच्छा अच्छा हाँ हाँ वहाँ पे चलो उसको सही कर लिया जाएगा। कम से कम, अरे तो अभी रह गया, कहाँ थे हम लोग? एहोल अभिलेख के रचयिता, रचयिता का नाम क्या है? एहोल अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति, ठीक है ना। किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि के दरबारी कवि थे, है ना? कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा? पुलकेशिन द्विति। पुलकेशिन द्विति के समय काल में ही रवि कीर्ति नाम के दरबारी कवि रहते थे, जिन्होंने एहोल अभिलेख की रचना की, उसके रचयिता है। और क्वेश्चन यहाँ से देखो, पुलकेशिन द्विति ने ही पराजित किया था किसको? हर्षवर्धन को, नर्मदा नदी के तट पर। और पुलकेशिन द्विति को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने, है ना, ये ध्यान रखेंगे। बाकी विक्रमादित्य प्रथम द्वितीय नहीं होता है, विक्रमादित्य होता है सिर्फ, है ना। पुलकेशिन फर्स्ट भी नहीं, पुलकेशिन द्वितीय है ऐसा यहाँ पे आंसर। एक रवि कीर्ति से एक ध्यान आ रहा होगा कि राजा रवि वर्मा, कभी नाम सुने होंगे, तो ये कौन है? रवि वर्मा भारत में सबसे बेहतरीन चित्रकार हैं, राजा रवि वर्मा। नाम सिमिलर सा है तो सिमिलर वाली चीज़ों को ध्यान रख लेना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन चित्रकार कौन है भारत में? राजा रवि वर्मा, साउथ इंडिया के से बिलोंग करते थे। और क्वेश्चन ये भी इन्हीं वंशों से थे, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा फिर, विश्व में सबसे बेहतरीन चित्रकार कौन है? मोनालिसा तो एक खुद चित्र है, पेंटिंग है ना। मोनालिसा क्या है? तो एक पेंटिंग है, है ना। एक लड़की, एक राजकुमारी है, है ना, उसकी पेंटिंग बनाई गई है। बनाया किसने था? हैं, बार्थोलोमियो डियाज। और कोई बताएगा? हैं, लियोनार्डो द विंसी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मोनालिसा, तो देखिए सबसे बेहतरीन चित्रकारों में अगर हम बात करें तो विंसी को, विंची विंची भी कई बार कहते हैं, लियोनार्डो द विंसी, ठीक है, उन्होंने मोनालिसा का हाँ चित्र बनाया था उसने। तो राजा रवि वर्मा भारत के संदर्भ में हो जाएंगे। और चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद जय भारत।